दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें एक मेट्रिया मेडिका जिसका नाम है कंपेरेटिव मेट्रिया मेडिका एंड थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर एनसी घोष। इसके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारी चैप्टर्स के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए दोस्तों जस्ट लाइक ई बुक की तरह आप इसको सुन सकते हैं और इससे अपना पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है दोस्तों ये दूसरा एपिसोड है। इसमें हम होम्योपैथिक चिकित्सा के संबंध में चिकित्सकों के जानने योग्य कुछ विषय इस बारे में आपसे बात करेंगे। इसका टॉपिक है हैनीमैन के उपदेश का स्थूल तात्पर्य क्या है। इसके अंदर का दोस्तों बड़े सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि होम्योपैथी कैसे काम करती है और कितने सारे ऐसे नियम जिसमें जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर हैनीमैन ने मेंशन किया हुआ है उसको भी यहाँ पे आपको बहुत आसान शब्दों में समझने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है किसी भी बीमारी की चिकित्सा करते समय रोगी के धातुगत लक्षण, मानसिक लक्षण और रोग के लक्षणों के साथ जिस दवा के लक्षणों का मेजोरिटी ऑफ सिम्टम्स सबसे अधिक सादृश्य हो, सबसे अधिक मिलता हो, उसी दवा का उस रोग में प्रथम प्रयोग करना चाहिए। दूसरा नियम, दवा का परिमाण और मात्रा यथासंभव जितनी ही कम होती है फायदा उतना ही अधिक होता है और क्रिया भी अधिक दिनों तक अस्थायी रहा करती है। पुरानी बीमारी का इलाज करते समय 10, 15 या 20 नंबर की पोस्ता के दाने या साबुदाने जैसी 2 या 4 छोटी गोलियां जिसको ग्लोब्यूल्स कहते हैं जीभ पर रखकर या आधा छांटा चुआए हुए पानी में मिलाकर पहली मात्रा सवेरे मुंह साफ करने के बाद खाली पेट में रोगी को खिला देनी चाहिए। इसके बाद कम से कम 2 घंटे तक न कोई चीज़ खिलानी चाहिए, न कुछ पीने को ही देना चाहिए। इसके बाद 1, 2 या 3 सप्ताह तक उसके नतीजे की राह देखनी चाहिए। यदि फायदा न हो अथवा आवश्यक प्रतीत होने पर उस समय के बीच में दूसरी मात्रा का प्रयोग किया जा सकता है। यदि 6-7 मात्रा दवा सेवन करने पर भी कोई फायदा होता न दिखाई दे तो कोई दूसरी चुनी हुई दवा या पहली दवा की ही शक्ति परिवर्तन कर ऊपर बताई रीति से ही प्रयोग करना चाहिए। केवल एक ही दवा के सहारे जटिल बीमारी, पुरानी बीमारी, क्रॉनिक डिजीजेस की चिकित्सा कभी नहीं हो सकती, यानी और दवाओं का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। नया लक्षण पैदा होने पर उसके अनुसार दवा में हेरफेर करना ही पड़ेगा। कोई नई बीमारी जैसे ज्वर, पतले दस्त इत्यादि रोगों में वैसे ही 7-8 छोटी गोलियां या अर्क यानी टिंचर की 2-3 बूंद 2 औंस पानी में मिलाकर बीमारी की तेजी के अनुसार 1 या 2 चम्मच की मात्रा में नित्य 3-4 घंटों के अंदर देकर तथा हैजा वगैरह बीमारियों में जिनमें बहुत तेजी से ताकत घटने लगती है रोग की चिकित्सा के अनुसार 10-15 मिनट या आधे घंटे का अंतर देकर दवा का प्रयोग करना चाहिए। रोग लक्षण के साथ औषधि लक्षण का विशेष सादृश्य रहने पर भी यदि 5-6 मात्रा दवा का प्रयोग हो जाए और कोई क्रिया न हो तो हैनीमैन का यह उपदेश है कि रोगी की धातु के अनुसार एंटीसोरिक, एंटीसाइकोटिक या एंटीसिफिलिटिक किसी दवा के बीच में 1 या 2 मात्रा प्रयोग करने के बाद फिर पहले की तरह उसी दवा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा नियम, यदि किसी दवा की 2-3 मात्रा से रोग कुछ घटा हुआ मालूम हो तो जब तक उस दवा की क्रिया समाप्त न हो जाए अर्थात जब तक उस दवा की क्रिया से साफ साफ फायदा होता दिखाई देता रहे तब तक उस दवा की दूसरी मात्रा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, न ही दूसरी दवा ही देनी चाहिए। नियम 4, अगर किसी दवा का प्रयोग करने पर रोग बढ़ जाए यानी एग्रेवेशन हो जाए तो ऐसा कभी न समझ लें कि दवा के चुनाव में भूल हुई है। ऐसी जगह 2-4 दिन तक दवा बंद रखने पर
इस ढंग की वृद्धि आप ही आप घट जाएगी और कुछ दिन तक और भी राह देखने से असली बीमारी भी अपने आप धीरे धीरे आरोग्य होती रहेगी। दवा के सेवन से जो रोग वृद्धि होती है वह साधारणतः 3 से 4 दिन में ही घट जाती है, पर ऐसा न होकर यदि रोग लक्षण बराबर बढ़ते ही जाएं, तो समझना होगा यह दवा सेवन के कारण पैदा हुई रोग वृद्धि नहीं है। दवा सेवन के कारण जो रोग वृद्धि होती है उसमें दोबारा दवा प्रयोग करने से दवा की क्रिया में बाधा पड़ती है और रोग की स्वाभाविक वृद्धि में यदि दवा का प्रयोग नहीं किया जाता तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नियम 5, किसी औषधि के सेवन करते ही अगर किसी पुराने बीमारी के सब उपसर्ग गायब हो जाए तो समझना होगा दवा का चुनाव ठीक ठीक नहीं हुआ है और उससे वह बीमारी भी आराम न होगी। इस ढंग से जो रोग घटते हैं उन्हें क्षण स्थायी लाभ या पैलिएटिव कहते हैं। नियम 6, कितने ही डॉक्टरों का कहना है कि कोई भीतरी दवा सेवन करते समय मदर टिंचर इत्यादि किसी तरह की बाहरी प्रयोग की दवा का व्यवहार करना होम्योपैथिक नियम के विरुद्ध है, क्योंकि भीतरी दवा का प्रयोग परिमाण बहुत ही थोड़ा होता है और बाहरी प्रयोग की दवाओं का परिमाण अत्यंत स्थूल अर्थात अधिक होता है। इससे संभव है कि भीतरी दवा की क्रिया नष्ट हो जाए, किंतु कितने ही लोग बाहरी दवा के प्रयोग के पक्षपाती भी हैं और कितनी ही बार उससे रोग की तकलीफ जल्दी घटती भी दिखाई देती है। ऐसे स्थान पर जख्म आदि में जरूरत मालूम होने पर जो औषधि रोगी सेवन कर रहा हो वही या उसके सदृश की कोई दवा अर्थात जिस दवा से सेवन करने वाली दवा की क्रिया में कोई व्यघात यानी इनिमिकल एंटीडोट या विरोधी इस प्रकार की कोई दवा न हो, ऐसी कोई एक दवा नीचे बताई प्रणाली के अनुसार व्यवहार की जा सकती है। साधारणतः 1 औंस वैसलीन, ग्लिसरीन या ओलिव ऑयल यानी जैतून के तेल या पानी में 20 बूंद मोलर्क यानी मदर टिंचर मिलाकर लेने से बाहरी प्रयोग की हल्की दवा तैयार होती है। नियम 7, एक मात्रा दवा सेवन कराने के बाद जब तक फायदा दिखाई देता रहे तब तक रोगी को केवल गोलियां, ग्लोब्यूल्स यानी शुगर ऑफ मिल्क, दूध की चीनी या केवल 2-1 बूंद स्प्रिट थोड़े पानी में मिलाकर दिन में 3-4 बार सेवन कराते रहना चाहिए। इससे रोगी को भरोसा रहेगा कि वह नित्य औषधि सेवन कर रहा है। इस तरह की शून्य दवाएं फाइटम, नीलम या प्लेसिबो इत्यादि नाम से पुकारी जाती हैं। नियम 8, पर्याय क्रम से औषध अर्थात एक बार एक, दूसरी बार दूसरी और एक इस तरह के एक के बाद दूसरी 2-3 प्रकार की दवा का सेवन होम्योपैथी की नीति के विरुद्ध है। इससे यह होता है कि एक औषधि की क्रिया दूसरी दवा की क्रिया में यथासंभव बाधा पहुंचाया करती है। ऐसी अवस्था में कोई कोई यह भी कह सकते हैं वे ऐसा ही करते हैं और इससे रोग आरोग्य भी होता है, परंतु ऐसे विचार वालों के लिए मेरा यह कथन है कि वे केवल एक दवा का एक बार व्यवहार कर देखें। इतने से ही उनकी समझ में आ जाएगा कि दवाओं का पर्याय क्रम से प्रयोग करने से जो बीमारी 7 दिन में आराम होती है वही एक दवा के व्यवहार से 3-4 दिन में आरोग्य हुई है, पर हैजा आदि बीमारियों में कभी कभी 2 दवाओं का पर्याय क्रम से व्यवहार करना पड़ता है और उससे लाभ भी विशेष होता है। सुश्लर की टिशू दवाओं यानी बायोकेमिक औषधियों का पर्याय क्रम से व्यवहार होता है। डॉक्टर ह्यूजेस का कहना है कि समस्त समान लक्षण यदि एक दवा में न मिले तो कॉनकॉर्डेंट 2 दवाएं
एक के बाद दूसरी इस तरह व्यवहार की जा सकती हैं, पर महात्मा हैनीमैन इस मत के घोर विरोधी हैं। नियम 9, कोई नई बीमारी जैसे ज्वर, निमोनिया, अतिसार यानी डायरिया, हैजा इत्यादि की चिकित्सा करते समय रोग के उपसर्गों में जो उपसर्ग सबसे जबरदस्त और अधिक तकलीफ देने वाला हो उसी को पहले घटाकर रोगी का मन सुस्थिर रखने की चेष्टा करनी चाहिए। चिकित्सा करते समय चिकित्सक को रोगी के यकृत, फेफड़े, मस्तिष्क, हृदपिंड इत्यादि भीतरी यंत्रों पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए। कभी भी जल्दी जल्दी दवा न बदलनी चाहिए और जब तक रोग का भोग जारी रहे तब तक चिकित्सक को कभी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। नियम 10, पुराने जटिल बीमारियों की चिकित्सा करते समय यदि साधारण रोग लक्षणों पर अधिक लक्ष्य न रखा जाए तो भी कोई विशेष हानि नहीं होती, पर रोग का मूल कारण अर्थात शरीर में कौन सा विष छिपा हुआ बैठा है और रोग कहाँ से उत्पन्न हुआ है सबसे पहले इस पर ही नज़र रखनी होगी। हैनीमैन ने अपने क्रॉनिक डिजीजेज नामक ग्रंथ में सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस इन तीनों प्रकार के विषों को सब तरह के रोगों का घर या उत्पत्ति स्थान बताया है। इसलिए इन तीन प्रकार के मूल विषों के प्रति विष यानी एंटीडोट औषध के प्रयोग द्वारा ही पहले चिकित्सा प्रारंभ करनी होगी, उसके बाद लक्षण के अनुसार एक के बाद दूसरी दवा का प्रयोग करना होगा। पुरानी बीमारी की चिकित्सा के समय चिकित्सक और रोगी दोनों को ही बहुत धीरज रखना अत्यंत आवश्यक है। इस देश के आयुर्वेदिक चिकित्सकगण सब बीमारियों को तीन भागों में विभक्त करते हैं, जैसे साध्य, असाध्य और याप्य। हैनीमैन का कथन है कि अत्यंत जटिल पुरानी बीमारी असाध्य होने पर भी कम से कम 2 वर्षों तक दवा सेवन कर देखना चाहिए। नियम 11, नवशिखुओं की दवा की शक्ति पोटेंसी के विषय में बहुत ही तंग होना पड़ता है नए लोगों को। इस विषय में बहुत मतभेद है, कोई उच्च क्रम की दवा के पक्षपाती है तो कोई निम्न क्रम के, पर दवा का चुनाव ठीक ठीक होने पर औषधि की शक्ति से कुछ ज्यादा आता नहीं। परंतु साधारणतः नई बीमारी में मदर टिंचर और 1 से लेकर 30वीं शक्ति, कभी कभी 200 शक्ति और पुरानी बीमारी में 1000 से CM/mm शक्ति तक का व्यवहार हुआ करता है। पुरानी बीमारी में औषधि की शक्ति जितनी ही ऊंची होती है उतनी ही जड़ में छिपे गुप्त रोग के ऊपर क्रिया होगी। पुरानी बीमारी में 6, 30, 200 शक्ति से शायद फायदा न होगा। उच्च शक्ति की क्रिया निम्न शक्ति अर्थात स्थूल मात्रा की दवा की अपेक्षा अधिक दिनों तक अस्थायी रहती है और फायदा होने पर एक मात्रा दवा देकर 1.5 या 2 महीने तक अपेक्षा कर सकते हैं। किसी किसी का तो कथन है कि परीक्षा में केवल 9वीं शक्ति तक मूल औषधि का अंश पाया जाता है। इस पुस्तक की हरेक दवा के अध्याय में औषधि की अनुमानिक शक्ति और क्रिया का अनुमानिक स्थितिकाल लिखा गया है। नियम 12, उच्च शक्ति के सांकेतिक चिन्ह C यानी 100, D यानी 500, M यानी 1000, CM यानी 1 लाख है, 1 लाख। नियम 13, रोग लक्षण के साथ दवा का लक्षण मिल जाने पर भी जब किसी अच्छी तरह चुनी हुई दवा से फायदा या अस्थाई लाभ न हो उस समय एकाएक दवा को ही न बदलकर केवल उस दवा की शक्ति में ही हेर फेर
यानी उसका दवा की पोटेंसी चेंज करने कर प्रयोग करने से फ़ायदा हो सकता है। जैसे पहले उच्च शक्ति का प्रयोग किया गया पर कोई फ़ायदा न हुआ, दूसरी बार मध्यम शक्ति की वही दवा और अंत में निम्न शक्ति की फिर उच्च शक्ति की, प्रत्येक बार केवल शक्ति को ही इस तरह अदल बदल कर देने से भी लाभ होगा। प्रत्येक बार केवल शक्ति को अदल बदल कर देने से भी लाभ होगा। पानी में मिली हुई दवा होने पर रोज सवेरे सेवन करते समय शीशी का पेदा हाथ के ऊपर 6-7 बार जोर से ठोक लेना चाहिए, यानी स्ट्रोक देना चाहिए। इससे शक्ति का कुछ परिवर्तन होने से अधिक लाभ दिखाई देता है, ये डॉक्टर हिनमन साहब कहते हैं। नियम 14। आयुर्वेदिक या एलोपैथिक चिकित्सा के बाद यदि कोई रोगी सदृश विहान चिकित्सा यानी होम्योपैथी के अनुसार चिकित्सा कराने आए तो पहले पहल छठी शक्ति से और होम्योपैथी के छोड़े हुए रोगी को 20वीं शक्ति देकर चिकित्सा आरंभ करना चाहिए। कलकत्ते के विख्यात स्वर्गीय डॉक्टर जी मानुक MBBS और डॉक्टर W यूनान MBCM महोदय की ऐसी ही राय है। नियम 15। दवा सेवन करते समय अन्न के साथ चूना, सोडा, लेमोनेड, सिरका का व्यवहार और खड़िया तथा तीते पदार्थों से दांत मांजना, ये कई कार्य एकदम त्याग देने चाहिए। हीपर, कैल्केरिया, सालेसिया के व्यवहार के समय चूना और सोडा का व्यवहार मना है। नियम 16। दवा सेवन करते समय सुगंधित या तेज गंध वाली चीज़ें, सड़े और जल्दी न पचने वाले पदार्थ, गरम मसाले, प्याज, लहसुन, कपूर, शराब, नशीले पदार्थ, धूम्रपान, ज़्यादा फल फूल, चाय, कॉफ़ी इत्यादि कोई उत्तेजक पदार्थों का व्यवहार निषिद्ध है, यानी मना है। रोगी को हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। रोगी के रहने का कमरा हवादार और ऐसा होना चाहिए जिसमें धूप आती जाती हो। अफीम तथा चाय पीने वाले जिनको इनका बहुत दिनों का अभ्यास हो उन्हें यथासंभव खूब कम परिमाण में इनका व्यवहार करना चाहिए। तंबाकू या बीड़ी पीने के 1 घंटा और अफीम खाने के 2 घंटा पहले या बाद दवा सेवन करना उचित है। पुरानी बीमारी में दवा खाने के पहले मुंह अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए और सवेरे खाली पेट दवा सेवन करने का ही उचित नियम है। नियम 17। औषध की शक्ति को डायनामाइजेशन, पोटेंटाइजेशन, एटेंचुएशन, डाइल्यूशन, स्ट्रेंथ या पोटेंसी कहते हैं। इनका साधारणतः अर्थ प्राय एक ही प्रकार का है, अर्थात शक्तिकरण। एक भाग एक मूल औषधि को 99 भाग सुरासार यानी अल्कोहल के साथ मिलाकर औषधि की पहली शक्ति बनती है। इसी तरह क्रमशः लाख लाख शक्ति तक की दवा तैयार होती है। इससे मालूम होता है कि शक्ति जितनी ही ऊंची होती है मूल औषधि का अंश भी उतना ही बिल्कुल लुप्त होता जाता है, पर उसकी ही क्रिया तेज और बहुत दिनों तक स्थायी होती है। एक भाग मूल औषधि को 9 भाग दूध की चीनी के साथ अच्छी तरह खल में खरल करने पर 1x विचूर्ण शक्ति तैयार हुआ करती है। उसका एक भाग फिर 9 भाग उसी तरह दूध की चीनी के साथ मिलाकर घोटने पर 2x पोटेंसी तैयार होती है। इसी तरह क्रमशः 12x, 30x, 200x इत्यादि शक्तियां भी इसी नियम के अनुसार तैयार हुआ करती हैं। और जो कुछ भी हो पर सब जगह यही नियम लागू नहीं होता। कितनी ही दवाएं 6 भाग मूल अर्क, 4 भाग डाइल्यूट अल्कोहल या सुरासार के साथ मिलाकर पहली 0.1x शक्ति तैयार होती है और कितनों ही में 8 भाग में 2 भाग मूल औषधि मिलाकर पहली 0.1 शक्ति तैयार होती है। 1 लीटर से लेकर तीसरी शक्ति तक दवा तैयार करने में विशेष गड़बड़ी है। ये सभी फार्मूला अर्थात
औषधि प्रस्तुत प्रणाली आदि कि कौन दवा किस फार्मूला के अनुसार तैयार होती हैं जानने या दवा बनाने सीखने के लिए फार्माकोपिया की जरूरत पड़ती है। इससे पहले कहा हुआ प्रकरण सततमिक है। यह जवान या पूरी उम्र वालों के लिए प्रत्येक मात्रार्थ एक बूंद तथा अंत वाला प्रकरण 1x 2x शक्ति दशमिक है। यह 2-3 ग्रेन तक की मात्रा में प्रत्येक प्रकरण प्रत्येक बार व्यवहित यानी व्यवहार में लाया जा सकता है। बालकों को आधी या चौथाई मात्रा देनी चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोप से परीक्षा करने पर 9वीं शक्ति तक औषधि का अंश दिख पड़ता है, उसके बाद दृश्य हो जाता है, अर्थात उसके बाद कभी भी दवा के अंदर जो पोर्नेटाइज होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं क्रूड फॉर्म में दवा नहीं होती है। नियम 18, जिस कमरे में होम्योपैथिक दवा का बक्स रहे वह कमरा खूब सूखा साफ सुथरा और उजालेदार होना चाहिए। धूप धूल धुआं एलोपैथिक दवाएं कपूर यूकेलिप्टस नेपथेलिन इत्यादि किसी भी तरह की तेज गंध वाली चीज या एसेंस आदि सुगंधित पदार्थों के पास दवा का बक्स न रखना चाहिए। दवा की शीशी में या नीचे तली में सफ़ेद सफ़ेद फूही या रुई के रेशे की तरह के पदार्थ रखने से दवा का रंग कुछ भी बदल जाने से समझ लेना चाहिए कि दवा नष्ट हो गई है। घर में चूना गंधक आदि जलाने और फिनाइल से धोने की ज़रूरत हो तो दवा दूसरे कमरे में हटा देनी चाहिए। नियम 19, शक्ति तथा दवा का चुनाव ठीक होने पर भी कितने ही स्थलों पर दवा की गड़बड़ी के कारण रोग आरोग्य होने में बाधा पहुंचती है और चिकित्सक को अपयश प्राप्त होता है। होम्योपैथिक दवा का रंग रूप देखकर यह निर्णय करना कठिन है कि कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध तथा कौन सी नष्ट हो गई है, और आज तक इस संबंध में कोई आलोचना भी नहीं किए हैं। अतएव यदि कोई हमसे यह पूछना चाहे कि किस तरह यह बात कुछ कुछ जानी जा सकती है तो तुरंत उसका ठीक ठीक उत्तर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की बात हमने करी होम्योपैथी के जो कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में, जिसको डॉक्टर हैनीमन साहब ये जो पुराने होम्योपैथी चिकित्सक रह चुके हैं उन लोगों ने अपनाया है। चूँकि आज के समय में ये चीज़ें 100% अप्लाई करना बड़े सारे चिकित्सकों के लिए मुश्किल हो गया है, तो लोग अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से इन सारे नियमों में परिवर्तन करके आज होम्योपैथी की चिकित्सा करते हैं। तो दोस्तों, मैं इसमें किसी को कुछ कहना नहीं चाहूँगा, सबकी अपनी अलग अलग सोच है, अलग अलग तरीके हैं। बहरहाल आज की जानकारी बस इतनी ही, फिर मिलते हैं। इसके आगे से अब हम शुरुआत करेंगे होम्योपैथी की मेडिसिन्स के बारे में। दोस्तों, अगले वीडियो में आपको होम्योपैथी की पहली मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आज की बात बस इतनी है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।